सफाई कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिकायत में बताया कि कार्य के अनुरूप पारिश्रमिक न दिए जाने व कंपनी के मैनेजर द्वारा अमर्यादित व्यवहार किए जाने के साथ ही पारिश्रमिक से मनमाना कटौती कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। क्या नाम है आपका? नीतू सोनखड़े। आज आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? सर, हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारे जिला हॉस्पिटल में पिछले हम लोग 15-16 साल से रोगी कल्याण से काम कर रहे हैं, जिसमें हमको 8,000 वेतन दिया जाता था। अभी पिछले महीना 1 तारीख से ठेका हो गया है। कोविड-19 में सर हम रेगुलर काम करते गए, सहयोग देते गए स्वास्थ्य विभाग में, फिर भी हमारे साथ अत्याचार हुआ। हमको बोला गया जो आपको वेतन मिल रहा है उसी भुगतान पे आपको रखा जाएगा। फिर भी सर हम पूरा महीना अपना सेवा दिए हैं, फिर भी हमारा वेतन काट के सर 3,000, 3,500, 4,500 इस विषय में हमको वेतन दिया गया। ऊपर से ये जो ठेकेदार है, इसका मैनेजर सर हम कर्मचारियों के साथ में शोषण करता है, गलत व्यवहार करता है, गलत बात करता है। अगर हम काम कर रहे हैं सर, पानी पीने के लिए बैठते हैं, वीडियो बनाता है, और क्या बोलते हैं, चाय पीने जाते हैं सर, तो उसमें भी कहता है कि तुम्हारा 1-1 सेकंड का पैसा काटा जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? कौन बोलता है ऐसा? ये मैनेजर जो आया है सर। क्या नाम है उसका? राजकुमार यादव। आज आप लोग यहाँ शिकायत करने आए हैं? जी सर, हम लोग शिकायत करने आए। हर रोज सर साइन करने जाओ तो भी बात करता है, कुछ न कुछ बात को लेके वो हर रोज कुछ न कुछ पंचायत उठा देता है सर। हम लोग को ना सुकून से ड्यूटी करने देता, आने के टाइम में जाने के टाइम में, अब पूरी ड्यूटी करने के बाद भी पूरी पेमेंट नहीं दिया सर। किसी का 27 दिन का, किसी का 26 दिन का, और वो बोल रहा है सर कि आप लोग को 1 दिन का कितना मिलेगा भैया? 177 रुपये। आप प्रेजेंट रहोगे तो मिलेगा, अब्सेंट रहोगे तो 244 कटेगा। ये कहाँ का न्याय है सर? आप ही लोग बताइए हम लोग क्या करें। इसलिए हम लोग आपके सामने आए हैं अपना बोले। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।